यूँ तो केआर के बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग कम और बड़बोलेपन की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है उनके और आशीष चंचलानी के बीच में, जहां पे आशीष चंचलानी और केआर के बॉक्स ऑफिस नाम के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के बीच में नोकझोंक हुई, जिसमें गालियों का भी जमकर प्रयोग किया गया। दरअसल एक ट्विटर यूज़र ने आशीष को ट्वीट कर यह लिखा, भाई केआर के तुझे और मोस्टली सेन को रोस्ट करने वाले हैं, कुछ तो बोल भाई। जिसका जवाब देते हुए आशीष ने ऊपर एक ट्वीट किया, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद केआर के बॉक्स ऑफिस के द्वारा आशीष के उस ट्वीट का इस तरह जवाब दिया गया। उसके बाद आशीष ने उस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि आप सबको असली रीज़न पता है केआर के ने छिछोरे मूवी कभी पसंद क्यों नहीं की, क्योंकि वह उससे रिलेट ही नहीं कर पाए, भाई कभी स्कूल या कॉलेज गया ही नहीं था। उस ट्वीट पर केआर के बॉक्स ऑफिस एक बार फिर भड़क गए और उन्होंने जो लिखा वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अपने पिछले ट्वीट को रेफर करते हुए आशीष ने लिखा, यह जोक समझने के लिए केआर के तुम्हें 7 जन्म और 7 डिफरेंट स्कूल अटेंड करने पड़ेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी भाई। अब ये जो भाई शब्द है वो नॉर्मल भाषा में यूज़ की गई है या सलमान भाई को रेफर की गई है, ये सिर्फ आशीष को ही पता है, क्योंकि केआर के ने सलमान खान पर भी काफ़ी ट्वीट्स किए हुए हैं। यह सारा विवाद केआर के की निगरानी में हुआ, क्योंकि वो केआर के बॉक्स ऑफिस के द्वारा एक किए गए ट्वीट को भी रीट्वीट करते हुए नजर आए। जिस तरह के ट्वीट केआर के बॉक्स ऑफिस द्वारा किए गए, उनकी भाषा काफ़ी हद तक केआर के की भाषा से मिलती है, और ना जाने केआर के ने अपने ऑफिशियल हैंडल से आशीष को जवाब क्यों नहीं दिया, यह जानते हुए कि क्या विवाद चल रहा है। आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आशीष और केआर के में आप किसको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वीडियो रीड ऐसी ही खबरें पाने के लिए।